कहीं पढ़ा था कि आप स्परि uh, जर्नी आध्यात्मिक यात्रा के जरिए लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाने के एक मिशन पर है क्या है ये मिशन क्या है इसका मतलब देखिये मिशन सोच के मैंने कार्य शुरू नहीं किया था हुँ. अब एक मिशन बन गया हुँ. कहते ना कि रास्ता आपको भगवान दिखाते हैं तो मुझे ये रास्ता अच्छा लगा ये बदलाव मेरे जीवन में आया आध्यात्म से जुड़ने के बाद कि अधिकतर जगह जब हम जाते हैं चाहे वो इंटरव्यूज होते हैं पॉडकास्ट होते हैं आजकल काफ़ी चलते हैं तो लोग अधिकतर मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि आप तो चिंता महसूस करती नहीं होंगी या आप तो कभी हारते नहीं होंगे और मेरा जवाब है कि असलियत में ये सच है मैं कभी भी बहुत एक्सट्रीम चिंता महसूस नहीं करती क्योंकि जैसा मैंने कहा अध्यात्म से जब आप जुड़ते हैं अध्यात्म के लिए भी आप देखिए भगवान के रास्ते होकर भी जुड़ सकते हैं कोई कोई आर्ट जो नया के योग की तरफ है मेडिटेशन की तरफ है उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं मैं भगवान के रास्ते से जुड़ी थी मैं हमारे जो शास्त्र है हमारे ग्रंथ हैं हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उन रास्ते से जुड़ी थी और इस वजह से मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया है और मैं सारे काम कर रही हूँ आज चाहे वो स्पिरिचुअल सेशन्स हैं मोटिवेशनल सेशन्स हैं और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे जाके सबके सामने आएंगे तो बहुत मेहनत हो रही है बहुत दिमाग लग रहा है बहुत पागल हो रहे हैं काम में फिर भी फिर भी ये शांत है और वो मुझे लगता है आध्यात्म की वजह से है तो आज का हर युवा एक दौड़ में है मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत का युद्ध चलो उस वक्त एक प्रॉपर युद्ध हुआ था पर आज भी हर व्यक्ति अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है हर व्यक्ति लड़ रहा है इसलिए मैं हमेशा कहती हूं यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है जिसको अपने अपने कृष्ण की तलाश है क्या बात है है कि कोई तो तो मिल जाए मुझे जो मुझे जो सही रास्ता दिखा दे तो युद्ध सबके मन में चल रहा है। लेकिन वो युद्ध शांत तभी हो सकता है जब वो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिले तो इसीलिए ये मिशन बन गया कि अब जो भागदौड़ है जो एक रेस लगी है जो एक कंपटीशन है युवा जिसमें पागल हो रहा है और होना पड़ेगा अगर आपको एक प्लेस पर पहुंचना है एक पोजीशन चाहिए पढ़ाई है डिग्री है जॉब है बिजनेस है सब कुछ है लेकिन उस वक्त इसको शांत रखना सुकून पाना फिर भी हंसते रहना खुश रहना ये आपको अध्यात्म सिखाता है तो इस कारण युवाओं को मुझे जोड़ना है और जैसा आपने कहा कि युवा मुझे मानता है मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात और शायद इसका कारण है कि पहली चीज मैं खुद एक युवा हूं तो उन्हें लगता है कि कोई हमारे जैसा बैठा है जो हमारी तकलीफें समझता है और दूसरा मैं हर चीज़ बहुत सिंप्लीफाई करके बात करने की कोशिश करती हूँ और मैं किसी भी चीज़ में बहुत जिद्दी या रिजिड नहीं हूं कि यही रास्ता है यही नियम है यही करना पड़ेगा वरना मत करो ये मैं नहीं करती और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे पास कि जब एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है या एक पिता परिवार में कोई भी जो बच्चे को खाना खिलाता है वो हर तरीके से कोशिश करता है कि बच्चा खाना खा ले वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को कहते अगर ऐसे बैठ के खाओगे तो ही खाना खिलाऊंगी नहीं तो खाना है ही नहीं आज के लिए ऐसा कोई कोई भी माँ बाप नहीं करेंगे तो वो कोई भाग कर खिला रहे हैं कोई इसको कहानियां सुना कर खिला रहे हैं कुछ दिखाते हुए खिला रहे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य है बच्चा खाना खा ले तो मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ जाए तो आप कथा कहिए मोटिवेशनल सेशन कहिए भजन कहिए और दस तरीके में निकाल रही हूं मेरा उद्देश्य है कि बच्चा बस खाना खा ले